क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट करना चालू किया तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो उसके ऊपर रिटर्न्स लाएगा। हेलो एंड नमस्ते पेचेक पोस्ट, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपके ही फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में। आप जो अपना बहुत मेहनत करके पेचेक कमाते हैं उसको कैसे मैनेज करें, उसके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और उस पैसे को कैसे बढ़ाएं ताकि आप फिनेंशियली फ्री हो जाएं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले विश यू अ वेरी 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 हैप्पी 2020। आई होप आप इस साल जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सके और आज का वीडियो आपको उसी जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आप आज पहली बार इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियोस बनाऊं तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूं हर 4th, 14th और 24th तारीख को और उन वीडियोस में मैं आपके साथ बात करता हूं आप पैसे कैसे मैनेज करें, कैसे इंश्योरेंस खरीदें, कैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें और बाकी सारी तमाम चीज़ें जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ऐसे 5 स्टेप जो आपको लेने हैं वन आफ्टर दी अदर जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ये सिर्फ 5 स्टेप लगते हैं आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। ये जर्नी लंबी हो सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, आपके आज के करंट पेचेक के हिसाब से, लेकिन ये सारे के सारे स्टेप सबके लिए मोर और लेस सेम ही होंगे। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि जल्द से जल्द अपने लाइफ में से सारे डेट को दूर कर दीजिए। डेट मतलब उधार का पैसा। अगर आपने किसी से भी उधार लिया हुआ है या किसी भी कारण आपको किसी को उधार चुकाना है तो जल्द से जल्द उसे चुका दीजिए। अगर आप बहुत मेहनत करके कुछ पैसा कमा रहे हैं और उसमें से छोटा सा हिस्सा किसी और के लिए दे रहे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं, आप कुछ पैसा किसी और के लिए कमा रहे हैं। जल्द से जल्द अगर आपने वो उधार चुकता कर दिया तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे अपने और अपनी फैमिली के ग्रोथ के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द डेट से मुक्ति पाइए। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो ये है कि आपको जल्द से जल्द हाउस होल्ड एक्सपेंस और बफर फंड्स के लिए पैसे जमा करने हैं। अब ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फंड्स और बफर फंड्स क्या है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक लिंक चेक कीजिएगा जिसमें मैंने जो पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसकी लिंक होगी। लेकिन आपको शॉर्टकट में एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इमरजेंसी फंड्स नाम का एक कॉन्सेप्ट ज़रूर नज़र आएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फंड और एक बफर फंड नाम का फंड आप जमा कर लें जो आपको किसी भी मुश्किल समय में ये काम आ सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए इंश्योरेंस लेना है। आप जितने भी मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली उन सारे के सारे लोगों का चेक कीजिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं क्या। अगर आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं तो जल्द से जल्द सारे मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि ये खुदा ना करे लेकिन अगर आपको कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई लाइफ थ्रेट हो जाए तो आप ये इंश्योरेंस की मदद से अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कर पाएंगे। इसके बारे में मैं और बहुत वीडियोस बनाने वाला हूं तो ज़रूर हमारे वीडियोस देखते जाइएगा। और अगर आपको हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में वो सवाल पूछना ना भूलिएगा। अगर आपका सवाल मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि उसका जवाब मैं इमीडिएटली दे सकता हूं तो जल्द से जल्द जवाब देके आपको उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हर खर्च अपना बजट के अनुसार करना है। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है तो नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स में से एक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, आपको जो आपका पेचेक मिलता है, आपकी जो सैलरी मिलती है वो आपके कंपनी के बैलेंस शीट में एक एक्सपेंस की तरह नोट किया जाता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होऊंगा लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं उनकी हर सैलरी को वो हर महीने रिकॉर्ड क्यों करते हैं। अकाउंटिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना पैसा कंपनी में आया और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया।
उसी तरह आपके लाइफ में आप जो भी पैसा कमाते हैं, आपके सैलरी से हो गया, या आपके अगर कोई इन्वेस्टमेंट से आपको कोई किसी तरह का रिटर्न मिलता है, या आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, या कोई रेंट मिलता है, ये सारा पैसा आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन आप जो भी खर्च करते हो, आपके घर की ग्रोसरीज़ के लिए, बच्चों की फीस के लिए, आपके एक्सपेंसेस के लिए, आपका घर खर्च हो गया, या मॉल में जो खर्चे होते हैं, या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हर एक्सपेंस को बजट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपने अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फंड और बफर फंड बना लिया, इंश्योरेंस ले लिया अपने सारे घर वालों के लिए, सारा का सारा जो डेट है या उधार है अगर वो आपने चुकता कर लिया, और अगर आपने सारा का सारा बजट करने लगे अपने सारे एक्सपेंसेस, तो जो पांचवा स्टेप बचता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने पेचेक टू प्रॉफिट एज अ ब्रांड और ये चैनल और जितने भी सोशल मीडिया पे मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही ले रहा हूँ। पेचेक टू प्रॉफिट प्राइमरीली एक फाइनेंशियल लिटरेसी चैनल है, जहाँ पे मैं आपके साथ बताता हूँ और आपसे बात करता हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कैसे सुधार सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्द से जल्द अपने ये सारे पहले के 5 पॉइंट्स कवर कर लीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए, क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट करना चालू किया तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो उसके ऊपर रिटर्न्स लाएगा और आपको आपका पैसा ही पैसे कमा के देगा। इसी तरह अगर आपने सारे स्टेप्स एक बाय एक कर लिए तो आई एम श्योर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।